हेलो। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। हाँ ट्राई करते हैं कल तक इसको खत्म भी कर दें। द मौर्यन एम्पायर, द मौर्यन एम्पायर। हाँ ने मौर्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हमने। सोर्सेस पढ़े कि हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज कैसे मिलती है। ठीक है अब हम कारण पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे। तो मौर्य एम्पायर के अंदर एक टॉपिक आपको दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य करके। चंद्रगुप्त मौर्य तो उनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फाउंडर ऑफ मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। ये कौन थे फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के। नॉट मच इज नोन अबाउट के बारे में, उनके बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अकॉर्डिंग टू लेजेंड He had been dismissed from the service of Nandar who ruled before him. कुछ लीजेंड्स, कुछ महान लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है उनको डिसमिस कर दिया गया था, उनको डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम द सर्विस ऑफ नंदा। नंदा लोगों ने उन्हें डिसमिस कर दिया था अपनी सर्विस से। नंदा रूलर को, नंदा कौन थे, हु रूल्ड बिफोर हिम, जो जिन्होंने उनसे पहले रूल किया था, उन्होंने उन्हें भगा दिया था, हटा दिया था अपने यहाँ से, है ना। ही मेट कौटिल्य एट तक्षशिला, तक्षशिला के गुरु तक्षशिला के कौटिल्य से मिले, हु लेटर बिकम फेमस एज चाणक्य, जो बाद में चाणक्य के नाम से फेमस हुए। बौद्ध सन ऑफ ब्राह्मण, जो किनके बेटे थे, एक ब्राह्मण थे, ये मैंने आपको स्टोरी में बताया था। कौटिल्य टू वॉज रॉन्ग बाय नंदा, यानी कौटिल्य के साथ भी जो गलत हुआ था, कौटिल्य के साथ भी नंदा ने गलत किया था। ये मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना रखी है कि कैसे उनकी छोटी पकड़ उनको बाहर धकेल दिया गया था। तो उनके साथ भी नंदा ने गलत किया था। ही देर फॉर ज्वाइंट हैंड्स विद चंद, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ हाथ मिलाए टू डिस्ट्रॉय द नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आफ्टर लॉन्ग सीरीज ऑफ बैटल्स चंद्रगुप्त नंदा कैपिटल एट अ पाटलिपुत्र फेल। वो कह रहा है काफ़ी सारे बैटल हुए सीरीज, मतलब एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल बैटल हुए चंद्रगुप्त के, ठीक है ना। तो नंदा कैपिटल जो थी, नंदा की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वो फेल हो गई, यानी वो गिर गई, वो हार गई। दिस लेड टू एमरजेंस ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, इससे एक नई डायनेस्टी का बर्थ हुआ जिसका नाम क्या था, मौर्य डायनेस्टी। बच्चनगुप्त मौर्य एज द एम्परर, बच्चनगुप्त मौर्य एज द एम्परर, एम्परर यानी फर्स्ट एम्परर कौन थे चंद्रगुप्त, वो मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य। एलेक्जेंडर, आपको बताया था मैंने इसके बारे में भी। एलेक्जेंडर हैड कंक्वर्ड मेनी स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बैस बताया था मैंने आपको कि निकल चुका था रूल करने के लिए पूरे वर्ल्ड पर, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे ये क्या कर चुका था, कंट्रोल कर चुका था। आफ्टर हिज डेथ हिज टेरिटरीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर टेकन ओवर चंद्रगुप्त मौर्य। उनका अब बता दें कि उनकी डेथ के बाद, एलेक्जेंडर की डेथ हो गई, तो उनकी जो टेरिटरीज थी जिन जगहों पर उन्होंने कंट्रोल किया था, वो सारे के सारे इंडिया में इंक्लूड कर लिए गए। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ही एम्बार्क्ड ऑन द कल्चरल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। चाणक्य के हेल्प से ही जो सब कॉन्टिनेंट थे, सब कॉन्टिनेंट मतलब ब्रोकन पार्ट जो थे इंडिया के, उनको कंसोलिडेट किया गया। कंसोलिडेट मतलब था एक करना, कंसोलिडेट मतलब क्या, एक करना। तो उनकी हेल्प से सारे एम्पायर को एक कंसोलिडेट किया गया, पूरे इंडिया को क्या किया गया, एक किया गया। 305 BC इंडिया वॉज अगेन अटैक्ड बाय सेलिकुलस अ फॉर्मर जनरल अंडर एलेक्जेंडर। इन 305 वो कह रहा है कि इंडिया पर दोबारा से अटैक किया गया सेलिकुलस। सेलिकुलस कौन सा, एक जनरल था इनका, एलेक्जेंडर का, एलेक्जेंडर के आर्मी का जनरल था ये। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेलिकुलस, चंद्रगुप्त ने उन्हें भी हरा दिया, चंद्रगुप्त ने उसे भी हरा दिया। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी साइंड विद सेलिकुलस चंद्रगुप्त गॉट काबुल, कांधार, जिसको आज के टाइम पे हम क्या मान जानते हैं, कांधार को अभी हम, अरे कांधार नहीं, कांधार ही नाम है आज के टाइम पे। हाँ पहले गांधार था इसका नाम, अब कांधार ही है। चंद्रगुप्त मौर्य गॉट काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान, सामना दिल्ली कमांडर। इस और उनके बीच में ट्रीटी होती है, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट लिख लो। उनके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि अगर वो जीते, कौन जीते, अगर एलेक्जेंडर जीता, एलेक्जेंडर की आर्मी जीती, तो इंडिया उनका हो जाएगा। और अगर उन्होंने बोला
चंद्रगुप्त मौर्य ये ठीक लिखी थी कि एलेक्जेंडर नहीं जीता, एलेक्जेंडर नहीं जीता, हम जीते, तो आपने इंडिया पर जितना भी कंट्रोल किया है वो सारे कंट्रोल आपको हम वापस दे दोगे। तो आप कहोगे सर ये इंडिया कहाँ है, तो काबुल तो अफगानिस्तान में है, ये बलूचिस्तान तो अलग कंट्री है, अब अलग है, पहले ये एक ही थी, पहले ये इंडिया का ही पार्ट थे, पहले इंडिया के ही पार्ट थे, ठीक है। ये वही जगह है जहाँ पर आज आपके तालिबान तालिबानी आए हैं, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले डेरा जमाया था, जिसको गांधर गंधर नाम दिया गया है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मतलब कांधारी नाम है आज के टाइम पे, तो वही जगह है जो इंडिया का ही पार्ट था इस टाइम पहले। सेलेकस गेव हिज डॉटर हेलेन इन मैरिज टू चंद्रगुप्त। नहीं मैंने आपको बताया था, मैंने नाम शायद किसी और का लिया था, नाम को ध्यान नहीं था इसलिए। और सेलेकस उनसे इतना वो इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से करा दी। आफ्टर दिस विक्ट्री चंद्रगुप्त अपॉइंटेड पुष्यगुप्त एज द गवर्नर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। उनकी जीत के बाद उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में दे दिया, जो गवर्नर था वो किसके हाथ में दे दिया, पुष्यगुप्त नाम के पर्सन को दे दिया। ऊपर नाम भी याद रखने हैं आपको, ये ठीक है। ही देन प्रोसीडेड टू द साउथ एंड कैप्चर सम टेरिटरीज देयर। उन्होंने बाद में साउथ की तरफ भी बड़े साउथ की भी टेरिटरीज को अपने पास अब कैप्चर कर लिया उन्होंने। चंद्रगुप्त एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम काबुल एंड कांधार इन द नॉर्थ वेस्ट टू मैसूर इन द साउथ। यानी वो काबुल कांधार से लेकर उनका जो रीजन था टेरिटरीज थी वो मैसूर तक एक्सटेंड हो चुकी थी, एंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू सौराष्ट्र इन द वेस्ट, ये जगह है उनकी। तो ये आपको याद है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि उनका जो एरिया था जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल किया था वो क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आफ्टर रूलिंग फॉर 24 ईयर्स ही रेन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि 24 साल रूल करने के बाद उन्होंने दुनिया छोड़ी थी, यानी बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी। ही हैंडेड ओवर द किंगडम टू हिज बिंदु सर। उन्होंने अपना दसार जो किंगडम था किसको हैंड ओवर कर दिया, अपने बेटे बिंदु सारा को। बिंदु सारा सक्सेडेड हिज फादर चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रीक हिस्टोरिकस एथेनिकस कॉल्स हिम अ स्लेयर ऑफ फोर्स। स्लेयर ऑफ फोइज, फोइज का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो लिखो फोइज का मीनिंग एनिमीज, क्या एनिमीज, और स्लेयर को लिखो स्लेयर मतलब एनिमीज, वो सॉरी किलर, स्लेयर मीन्स किलर। तो किसी ने क्या खूब कहा है, एक ग्रीक हिस्टोरियन एथेनिकस, उनको पता क्या कहते थे, वो कहते थे कि बिंदुसारा पता कौन है, बिंदुसारा कौन है, बिंदुसारा वो है जो अपने एनिमीज का हत्यारा है। स्लेयर को हिंदी में बोलते हैं हत्यारे बेसिकली, यानी ये दुश्मनों को मारने वाले थे, यानी कोई भी इनसे दुश्मनी करा तो इसको खत्म कर देते बिल्कुल ही, ठीक है। ही कंक्वर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ 16 रूलर्स आफ्टर डिफीटिंग 16 रूलर्स। उन्होंने अपने टाइम पे 16 रूलर्स को हटाया भी। रूल ही फ्लोडिंग इज रूल ही फेज अ रिवॉल्ट इन तक्षशिला। जब वो रूल कर रहे तब उनको एक रिवॉल्ट उन्होंने फेस किया, एक्सपीरियंस किया तक्षशिला में। रिवॉल्ट मतलब होता है अपने ही लोगों का आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, ठीक है। इट वॉज क्विल टू हिज सेकेंड सन अशोका। वो कह रहे हैं क्योंकि उनके बाद जो नेक्स्ट किंग बने वो उनके सेकेंड सन बने जो कि अशोक थे, हु वॉज द गवर्नर देयर, जो उस टाइम पर तक्षशिला के गवर्नर थे। बिंदुसार ने मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द रूलर्स ऑफ ग्रीस। और बिंदुसार ने उस टाइम पर जो ग्रीस के रूलर्स थे उनसे अच्छा रिलेशन बनाया, और वैसे बनाना भी था। क्यों बनाना था, उनकी माता श्री कहाँ से बिलोंग करती थी, ग्रीस से ही बिलोंग करती थी, आया ना, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होने था, तो आपको और कुछ रखना नहीं पड़ेगा। फिर ये आपको ध्यान रखना है कि उनके बाद बिंदुसार के कौन है, अशोका है, जिन्होंने किसको सक्सीड किया, बिंदुसारा को, ध्यान
तेरे को सक्सेस के बिजनेस में मिल दो सारा को। हाँ, आपको इसी ध्यान रखना कि एक टाइम पर अशोका जो थे वो गवर्नर थे, एक टाइम पर अशोका गवर्नर है ना, एक टाइम पर वो तक्षशिला के गवर्नर थे। ऑन असेंडिंग द थ्रोन अशोका टुक द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय मतलब कि एक ऐसे इंसान देवताओं को बहुत प्रिया या प्यारा हो, द बेलव्ड ऑफ गॉड्स, भी भगवान को बहुत प्यारा हो। उनके टाइटल मिला कि वो भगवान को बहुत प्यारे हैं, एंड द प्रियदर्शी, प्रियदर्शी मतलब बहुत सुंदर इंसान, बहुत सुंदर इंसान, ऐसा उनको टाइटल मिला। लोग उनको देवनाम प्रिय संस्कृत के वर्ड है ये कहते थे, प्रियदर्शी ये भी संस्कृत का वर्ड है, लोग उनको ऐसे कहते थे। ठीक है, इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। ये अशोका है, कलिंग वॉर अशोक के लिए, अशोक के हिस्ट्री में बहुत बड़ा है, मतलब अशोका का जो हम कह सकते हैं कि मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम उन्होंने किया वो यही किया है, कलिंगा वॉर में जीत कर। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन अशोका फोर्ड द फेमस कलिंगा वॉर, है ना। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस, मेगास्थनीस जो ग्रीस से इंडिया में आए थे, उनके अकॉर्डिंग एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य द रूलर ऑफ कलिंगा हैड अ पावरफुल आर्मी कंप्राइजिंग इन्फेंट्री, केवलरी, एलिफेंट्स। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर देखा जाए तो जो कलिंगा का जो रूलर था ना, उसके पास एक बहुत बड़ी एक पावरफुल आर्मी थी, जहाँ पर इन्फेंट्री भी थे, केवलरी भी थे, एलिफेंट्स भी थे, सब थे। ठीक है, अशोका फेस्ड टफ रेजिस्टेंस, काफ़ी टफ था उनके लिए भी। अकॉर्डिंग टू रॉक एडिक्ट 13, बोथ साइड सफर्ड लॉस इस बैटल में, दोनों साइड को बहुत सारा लॉस हुआ, बट पीपल ऑफ कलिंगा सफर द मोस्ट, लेकिन जो कलिंगा के लोग थे उन लोगों को ज़्यादा सफर हुआ। दो अशोका वॉन द वॉर, बेशक अशोका वॉर जीत गए, इट हैड फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस फॉर हिम एंड हिज एम्पायर, लेकिन उसका उससे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पर, उनके एम्पायर पर पड़ा। ये हमारा दिया हुआ है कि अशोका के एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, ये रेड वाला कलर जो है ना, रेड वाला ये वो है जगह है जहाँ पे उनका एम्पायर था। कंसिक्वेंसेस यहाँ पे कुछ आप इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, तो आपको इसे ध्यान रखना है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रो 8 में लिखा हुआ है ये सब जो लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, कलिंगा वॉर के बारे में जो भी लिखा हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो रॉक एडिक्ट 13 में लिखा हुआ है और मेगा सीरीज ने कुछ बताया है। कंसिक्वेंसेस ऑफ कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर के क्या कंसिक्वेंसेस थे। वो नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, कलिंगा वॉर हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द पॉलिसीज एंड पर्सनैलिटी ऑफ अशोका। प्रोफाउंड मतलब सीरियस, प्रोफाउंड मतलब क्या, तो सीरियस, एक काफ़ी सीरियस इफेक्ट पड़ा अशोका की पॉलिसीज पर और अशोका खुद की पर्सनैलिटी पर, कलिंगा वॉर का। द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय, सॉरी हो रही रिकॉर्डिंग, हो तो रही है। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द कलिंगा वॉर ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अशोका, उनके पर्सनल पॉलिटिकल लाइफ पर बहुत चेंज आया। ही अबैंडन द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट बाय फोर्स, उन्होंने भैरी गुस्सा छोड़ दिया, भैरी गुस्सा मतलब क्या, किसी पर अटैक करके उसकी जगह कंट्रोल में लेना, उन्होंने ये पॉलिसी छोड़ दी। एम्बिशन ऑफ व्यक्ति इन ऑल डायरेक्शन, और दिग्विजय, दिग्विजय बोलते बेसिकली हर जगह का राजा होना, उन्होंने हर जगह का राजा बनने की पॉलिसी को, इच्छा को छोड़ दिया। एंड एम दिस इज द पॉलिसी ऑफ रिलीजन, और उन्होंने धर्म को, रीजन को फॉलो करने का सोचा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, में यहाँ पे हाईलाइट कुछ नहीं करवा रहा आपको, सभी याद रखना है बेसिकली, शॉर्ट में जस्ट लिख पाओ। कलिंगा चेंज अशोका पर्सनल लाइफ, ही स्टॉप हंटिंग एंड ईटिंग मीट एंड अबैंडन द लाइफ ऑफ लग्जरी, उन्होंने उनके पर्सनल लाइफ चेंज हो गया, उन्होंने हंटिंग करना छोड़ दिया, मीट करना छोड़ दिया, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दिया। द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर यूज फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन एम्पायर, उन्होंने देखो कितना अच्छा यूज किया आज के टाइम पे जो हम करते हैं जेलों में बेसिकली,
जो प्रिजनर्स थे उनको पकड़ कर पनिश ही नहीं किया, उनसे काम भी करवाया, उनसे एग्रीकल्चर वर्क भी करवाया, जैसे खाने का प्रोडक्शन हुआ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनके एम्पायर में आई, उन्होंने यूज़ किया। आज के टाइम में तो जेल में ही होता है, जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनसे काम कराया जाता है, इससे तो कराया जाता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी उनकी थ्रू भी हो। अशोका हिमसेल्फ वेंट ऑन टूर्स टू प्रीच बुद्धिज्म टू पीपल। अशोका भी कभी कभार वो खुद जाते थे लोगों को बुद्धिज्म के बारे में बताने के लिए, लोगों को खुद बताने के लिए, है ना। ही ऑल्सो सेंट मिशनरीज, मिशनरीज मतलब कुछ लोग जो फॉरेन में आकर इसके बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं, बेसिकली पब्लिसिटी करते हैं, वो भी कुछ ऐसे लोगों को भेजते थे, है ना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ही सेंट है जो याद रखने, उन्होंने अपने बेटे तक बच्चों को भेजा था कि जाओ तुम इसकी पब्लिसिटी करो। उनकी बेटी संघमित्र, उनका बेटा महेंद्र, टू श्रीलंका टू प्रोपागेट बुद्धिज्म, है ना, श्रीलंका उन्होंने भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर एम्ब्रेस बुद्धिज्म एंड फॉलोड सम ऑफ द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल इन हिज स्टेट पॉलिसी लाइक नॉन वायलेंस एंड डिसअप्रूवल ऑफ रिचुअल्स। तो उन्होंने ये चीज़ें फॉलो की। ही गॉट इरेक्टेड, इरेक्ट मतलब होता है बैन कर देना, कैंसिल कर देना, है ना, या नहीं सॉरी यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन वाला ये नहीं, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है बनाना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है बनाना है। और उन्होंने काफ़ी सारे पिलर्स बनवाए एडिक्ट्स, उनके ऊपर ऑर्डर भी लिखे टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने पिलर्स बनवाए और पिलर्स पर उन्होंने वो टीचिंग्स लिखवाई, है ना। ही ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 84,000 स्तूप्स टू कीप द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, डोनेशन ऑफ बुद्धिस्ट बिहार, ठीक है। अबेंडन अकाउंट ऑफ अबेंडनमेंट ऑफ वॉर, देयर वाज अ डिक्लाइन इन मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि वॉर, अब उन्होंने वॉर करने का उन्होंने प्लान ही छोड़ दिया था, प्लान करने का उन्होंने छोड़ दिया था, मतलब वॉर करने का प्लान ही छोड़ दिया था, मिलिट्री की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो इसी वजह से उनकी मिलिट्री की जो तैयारी थी वो थोड़ी कम हो गई, उनकी एफिशिएंसी में कमी आ गई, और यही रीज़न था उनकी एम्पायर के डिक्लाइन होने का, यही रीज़न था अशोका के एम्पायर डिक्लाइन होने का, क्योंकि अब उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था, बस लड़ना छोड़ दिया, सामने वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, अभी नीचे दिया होगा, अगर दिया है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा, अगर तो बहुत डिटेल में चले गए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अशोक हम अभी तो बहुत आगे है, अभी तो डिक्लाइन तो कल ही पढ़ पाए शायद हम। एक्सटेंट ऑफ अशोका का एम्पायर, अशोका का एम्पायर कितना बड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य का तो हमने 4 लाइनें पढ़ी था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ तो सब उसमें लिखा हुआ था, आ यहाँ पे बता रहे हैं। आफ्टर विक्ट्री कलिंगा जीतने का, कलिंगा जीतने का, कलिंगा जीतने का अशोका का एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट द नॉर्थ वेस्ट द रिवर पेनस इन द साउथ। अब जगह तो मेरे को ही नहीं पता कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, पर आपको याद फिर भी करनी है। इंक्लूडेड सम पार्ट्स ऑफ नेपाल इन द नॉर्थ एंड काबुल, इन द नॉर्थ एंड काबुल, है ना, यानी सर पहले नेपाल भी हमारे इंडिया का ही पार्ट था। हाँ, पहले बहुत पहले हेरात एंड कांधार प्रोविंस आउटसाइड द प्रेजेंट बाउंड्री ऑफ इंडिया, ये सारा एक्सटेंट उनका दिया हुआ है, याद करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूलिंग, आप में अगर राजाओं की लैंग्वेज तो रूलिंग बोल सकते हैं, कि रूलिंग जो होता था सिस्टम वगैरह जो पॉलिसी वगैरह संभालते थे वो बेसिकली उसका सिस्टम कैसा था, उसका सिस्टम कैसा था, तो कह रहे पैन इंडियन कैरेक्टर अक्रॉस इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में, अक्रॉस नेशन में जो लोगों का जो कैरेक्टर था, तो बल्कि उनकी याद करा कर रहा है। तो कहते हैं मौर्य एम्पायर बिगिनिंग विद चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वास्ट एंड विद एन ऑल इंडियन कैरेक्टर। वो कह रहा है मौर्य एम्पायर जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शुरू हुआ था वो काफ़ी जो बड़ा था उस टाइम पर, काफ़ी वास्ट था उस टाइम पर, काफ़ी फैला हुआ था। सेलेकस होम चंद्रगुप्त डिफेटेड वॉर हेड हैंडेड थिंग फोर प्रोविंसेस ऑफ काबुल कांधार हेरात एंड बलूचिस्तान। सेलेकस जिनसे चंद्रगुप्त वॉर जीते थे, जिनसे चंद्रगुप्त वॉर जीते थे उनसे उन्हें 4 प्रोविंस मिले, काबुल कांधार हेरात बलूचिस्तान।
दिस रिमेंड विद मौर्यन एम्पायर राइट अप टू द एंड ऑफ अशोका रूल। और ये उनके पास तब तक रहा जब तक अशोका की डेथ नहीं हो गई। अशोका के रूल के रूल तक ये उनके पास ये चारों जगहें रहीं। ड्यूरिंग बिंदुसारा रूल अशोका रिस्ट तक्षशिला एंड क्यूरेड द रिवोल्ट देयर। जब बिंदुसारा का रूल चल रहा था तो हमने पढ़ा था कि रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था तक्षशिला में, तो अशोका ने वहाँ पर आकर रिवोल्ट को शांत किया। क्वेल मतलब शांत किया, ठीक है। आफ्टर बिंदुसारा हैड एस्टेब्लिश हिज रूल ओवर साउथ इंडिया, नो अदर किंग एवर रूल्ड ओवर द होल इंडिया। ओके, बिंदुसारा ने जब साउथ इंडिया में कंट्रोल किया था, उसके बाद से किसी भी किंग ने पूरे इंडिया पर रूल नहीं किया। द फैक्ट दैट चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट ईयर्स एट सबन बेलागोला इन कर्नाटका स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द ऑल इंडियन कैरेक्टर ऑफ मौर्य एम्पायर। द चीफ एडवांटेज ऑफ द पैन इंडियन कैरेक्टर वॉज ऑफ हिज एम्पायर वर द फॉलोइंग। मैं कहने पैन इंडियन कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस कैन बी सी। इट मार्क द एंड ऑफ स्मॉल स्टेट्स। छोटे छोटे स्टेट्स खत्म हो गई। सर क्यों? अरे वो सारी एक हो गई थी, वो सारी एक हो गई थी तो छोटी छोटी रही नहीं, वो अलग अलग रही नहीं, तब एक हो गई, बड़ा बन गया वो। इट हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग ट्रेड लिंक्स विद फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के साथ थोड़े हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगे। इट मेड इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प द मॉडर्न किंग्स फेस फॉरेन एग्रेशन सक्सेसफुली। इंडिया क्योंकि एक साथ हो गए थे सब लोग, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे, जिससे मॉडर्न किंग्स को काफ़ी हेल्प मिली कि अगर कोई फॉरेन से कोई आता अटैक करने के लिए तो उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। आफ्टर अशोका विक्ट्री ओवर कलिंगा एयर ऑफ कंक्वेस्ट एंड वॉर्स वॉज ओवर। वो कह रहे कलिंगा जीतने के बाद तुम्हारे लड़ाइयों का सिलसिला खत्म ही हो चुका था, क्योंकि कलिंगा लास्ट ही जगह जगह थी जहाँ पर ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे, बाकी तो पूरा इंडिया के कंट्रोल में था ही। बट हेल्प द मॉडर्न किंग्स टू पे मोर अटेंशन टू सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। अब उन्हें वॉर से ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पर ध्यान देना था। हेंस देयर वाज एन ऑल अराउंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब हर जगह पर खुशहाली थी। एडमिनिस्ट्रेशन इट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य हु लेड द फाउंडेशन ऑफ एन इलैबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इलैबोरेट मतलब एक वाइड है, एक फैला हुआ, एक बड़ा सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन का आया ना, उसकी स्टार्टिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य रोट अ बुक अर्थशास्त्र इन विच ही डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने आपको बहुत कुछ बताया अर्थशास्त्र के बारे में। अब एक चीज़ अभी बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र लिखी हुई है, क्या क्या लिखी हुई है, पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल सीखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की आर्ट की एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है किसी भी जगह को, है ना, तो ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त सन बिंदुसारा रिटेन द सेम सिस्टम एंड अशोका मेड सम चेंजेस नेसेसिटेटेड बाय द चेंज ऑफ आर्ट आफ्टर द कलिंगा वॉर। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा थे बिंदुसारा, उन्होंने भी ये सेम सिस्टम को फॉलो किया, है ना, ऐसे सेम सिस्टम रखा, रिटेन किया। अशोका के लेकिन अशोका ने थोड़े चेंजेस किए जैसे जरूरी थे, नेसेसरी मतलब एज पर द नीड, जरूरत के अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़े चेंजेस किए जब वो कलिंगा वॉर जीते उसके बाद, है ना। अशोका एडेड अ न्यू फिफ्थ प्रोविंस। अशोका ने एक नया प्रोविंस एड किया कलिंगा, है ना, फोर्थ तो उनके पास आ चुके थे। इट्स कैपिटल, है ना, यानी कलिंगा से जो कैपिटल थे वो तोसाली था उस टाइम पर। द मौर्यन एम्पायर द मौर्यन सेंट्रलाइज मोनार्की बिकेम अ पैटर्नल डेस्पोटिज्म अंडर अशोका। मौर्यन सेंट्रलाइज मोनार्की बिकेम अ पैटर्नल डेस्पोटिज्म अंडर अशोका। वो कह रहा है कि एक पैटर्नल सिस्टम सा बन गया था, पैटर्नल सिस्टम बन गया था सेंट्रलाइज मोनार्की का, यानी अब हर जगह अब पूरे इंडिया में एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। इन वन ऑफ हिज एडिक्ट्स अशोका सेज ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन। ऐसा माना जाता है कि किसी ना किसी एडिक्ट में ऐसे में लिखा हुआ है कि अशोका ने कहा हुआ है कि जितने भी सारे लोग हैं वो सारे मेरी फैमिली के मेंबर की तरह, मेरे बच्चों की तरह ही हैं। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें अशोका सिंप्लीफाइड मेनी रिगोरस प्रैक्टिसेस। सिंप्लीफाइड मतलब क्या, सिंपल करना, रिगोरस मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिसेस को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हुई है ना, उनको क्या करते थे, बहुत सिंपल कर देते थे। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मतलब चाहे वो टैक्स की हो, चाहे वो क्रॉप कलेक्शन की हो, किसी भी चीज़ की हो,
उन्होंने इसको काफी सिंपलीफाई कर दिया था। दिस हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द एम्पायर। इससे कई प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी। अशोका अपॉइंटेड महामतराज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। उन्होंने कुछ गवर्नर सेलेक्ट किए। महामतराज किसी का नाम नहीं है, ये किसी पोजिशन का नाम है जिसको आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, है ना। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है टू मेन डिवीजन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, मेनली सिविल और मिलिट्री। सिविल और मिलिट्री, कि सिविल यानी जनरल पब्लिक का कैसे ध्यान रखा जाए और मिलिट्री लड़ाई वगैरह होती है तो उस टाइम पर कैसे ध्यान रखा जाए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है टू मेन डिवीजन। सिविल के भी दो पार्ट थे, सिविल के भी दो पार्ट थे, सेंट्रल यानी एक पूरे इंडिया पे, पूरे इंडिया की बात करता, प्रोविंशियल एक स्टेट की बात करता था। अर्थार्थ भी तो थे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसी तरह से सेम इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट। द मॉडर्न गवर्नमेंट वॉज सेंट्रलाइज एंड वॉज मैनेज बाय सिविल ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक। जैसे मैंने आपको बताया था कि किंग एक बना दो, उनके नीचे छोटे छोटे ऑफिसर्स रख दो, तो इसी तरह से यहाँ पर हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य या विजयगुप्त मौर्य जो किंग थे वो तो सेंट्रल किंग बन गए थे, है ना, और उनके नीचे छोटे छोटे किंग, उनके नीचे छोटे छोटे ऑफिसर्स लगा दिए गए थे, बट डिफरेंट रैंक है ना, उनको अलग अलग रैंकिंग दे दी गई। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, किंग सुप्रीम होते थे एंड हिज थ्रोन वॉज हेरिडिटरी, और उनकी जो गद्दी होती थी वो क्या होती थी, हेरिडिटरी, यानी वो उनके उनके बेटे को ही मिलेगी। ही वॉज ऑल्सो द सुप्रीम जज, सुप्रीम जज भी हुई थी, यानी जज भी उस टाइम पर यही किंग ही होते थे, ठीक है, उस टाइम पर कोई ये क्या बोलते हैं इसको, लॉ वाला सिस्टम कोई था नहीं, मतलब अलग से, है ना, जुडिशल सिस्टम था नहीं, और जुडिशल सिस्टम अलग से नहीं बना था, अलग से तो दो ही सिस्टम बने थे, सिविल और मिलिट्री, जुडिशल सिस्टम से भी बना ही नहीं था, तो ये किंग ही ये काम करते थे जज वगैरह से। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन हिज बुक इंडिका एंड चाणक्य इन द अर्थशास्त्र टेल अस अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। बुक एंड इंडिका अर्थशास्त्र में बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। अशोका ब्रॉट अबाउट सम चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका ने कैसे चेंजेस में किए, ही अपॉइंटेड महामतराज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, पढ़ी चुके हैं। एट अ लेवल द किंग वॉज असिस्टेड बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किंग की हेल्प करने के लिए कौन होते थे, होती थी एक पूरी काउंसिल होती थी, एक पूरा ग्रुप होता था मिनिस्टर्स का, जिसको हिंदी में मंत्री परिषद बोलते हैं, ठीक है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता था, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या हेड, कौन हेड करता था, प्राइम मिनिस्टर। इस मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। द काउंसिल मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ पुजारी ऑफ द स्टेट कॉल्ड पुरोहित सेनापति, यानी वो कह रहे हैं काउंसिल में, उस काउंसिल में कौन कौन से लोग होते थे, काउंसिल ऑफ मैटर्स इंक्लूड, यानी उसमें कौन कौन से लोग होते थे, इसका मतलब क्या होते थे, प्लस इंक्लूड होता था, और कौन कौन होते थे, पुरोहित भी उसके अंदर होते थे, सेनापति भी वहाँ पर होते थे जो कि उनको एडवाइस करते थे द मैटर रिलेटेड टू वॉर एंड पीस, ठीक है। द हेड ट्रेजरर कॉल्ड सन्निधता, वहाँ पर सन्निधता भी होता था, यानी जो ट्रेजरर संभालता था, ट्रेजरर मतलब क्या, पैसे, पैसे रिलेटेड जो चीज़ें संभालता था, कितनी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, कितनी वेल्थ है, ये संभालता था एंड संभरता। टैक्सेशन एक्सपर्ट, और जो टैक्सेशन एक्सपर्ट होते थे ये भी लोग होते थे वहाँ पे, ठीक है। द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स वर अकाउंटेंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल भी होते थे, ये आपको याद रखने है, अगर आपसे पूछ के गलती से तो ये नाम भी लिखा होगा तो काफ़ी है। वन इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर का इंचार्ज, एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस, जो कोयलों की खान वगैरह होती थी, सोने की खान वगैरह होती, हीरों की खान वगैरह होती थी वहाँ पे, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स वगैरह को ध्यान में रखने वाला, कंट्रोल ऑफ कॉमर्स जो बिजनेस पर ध्यान थे, एज वेल एज सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर, कोई वेट वगैरह की मेजरमेंट यूनिट्स का ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा उन चीज़ों के लिए भी, ये था। ये चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए, फिलिप्स के लिए, है ना, क्वेश्चन तो बनेगा नहीं इनसे। कुछ स्टेट्स उनकी कैपिटल आपके याद है, मगध की, पाटलिपुत्र, गांधर की, तक्षशिला, ठीक है, अवंती की, उज्जैन, सदर्न प्रोविंस की स्वर्णनागरी, कलिंगा की स्वर्णनागरी, है ना, नागरी, स्वर्णनगरी, और कलिंगा के भी हमने पढ़ी थी, तो साली ये आपको याद करनी है। हाँ क्यों, क्या हो गया, तब ठीक है,
हाँ ले लेते हैं, उस प्रकार को कॉल करके बोल दो या मैं बोल दूँ, मान जाएगा। नहीं तय पर ठीक है, तब तय पर ठीक नहीं तब भी रहने दो ना। हाँ ठीक है, हेलो। तो ये तो बात हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये तो बात हो गई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रली जो सिस्टम था वो कैसा था, सेंट्रली जो सिस्टम था वो कैसा था। अब आते हैं प्रोविंस पर, अब आते हैं प्रोविंस पर, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है अशोका मेड ऑल्टरेशंस ऑल इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट ओनली इन प्रोविंसल गवर्नमेंट एंड नॉट इन द प्रोविंसल गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं अशोका ने चेंज किए थे, वो सेंट्रल सिस्टम ही किए थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम नहीं किए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सिस्टम में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। ड्यूरिंग हिज ग्रैंड फादर्स टाइम देर आर फोर प्रोविंसेस एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंग एंड अशोकास टाइम देर आर फाइव प्रोविंसेस एज सुन लो। वो कह रही क्योंकि ग्रैंड फादर के टाइम पर निशान गुप्त मौर्य के टाइम पर चार प्रोविंस थे, अब उनका पाँचवा आ गया था बस, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस एडिशन ही हुआ है, कुछ सिस्टम चेंज नहीं हुआ है। हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज कॉल्ड कुमार, वहाँ पर हेड होता था प्रोविंस का, जिसको हम क्या बोलते थे कुमार या फिर आर्यपुत्र, है ना। ओनली द प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन, केवल प्रिंस ही जब कर सकते थे, केवल प्रिंस ही किसी स्टेट के राज वो हेड बन सकते थे, ठीक है। ड्यूरिंग अशोका टाइम द कुमार वॉज असिस्टेड बाई गवर्नर, कुमारों की हेल्प कौन करते थे, वहाँ के गवर्नर करते थे। अकॉर्डिंग टू सम रॉक एंड पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका बिसाइड द महामंत्र अदर ऑफिसर टूक एक्टिव पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंसेस, लाइक प्रदेशी का जो टैक्स कलेक्ट करता था, रजू का जो तहसीलदार के काम करता था, जो रेवेन्यू रेवेन्यू ऑफिसर के काम करता था, और द युक्त का वो द ट्रेजरर ऑफ द प्रोविंस। तो नाम आपको याद रखने हैं, अच्छा स्टेट से और नीचे डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट को भी वो कह रहे थे, डिस्ट्रिक्ट को भी बहुत पार्ट में डिवाइड कर लिया था, प्रोविंस को बहुत फर्दर पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था, वो है ना जिसको हम जनपद बोलते थे, आजकल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, पहले जनपद बोलते थे। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन संभालते थे, प्रदेशी का, रजू का और जुक्ता। अब इनको और डिवाइड करो, इंपॉर्टेंट सिटीज द कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस गिवन अर्लियर हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज थी उनका अपना अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। हेड ऑफ द सिटी वॉज कॉल्ड नगर अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। 2 सेकंड रुकना जरा। देख पाओगे पक्का, चाय पी लेना हो जाएगा सर दर्द दूर, तो नहा के तो तुम बैठी नहीं होगी मेरे ख्याल से अभी, ठीक है ठीक है, बाय। ठीक है, तो हेड ऑफ सिटी कौन होते थे, नगर अध्यक्ष। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज, मेगस्थनीज बताते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स। वो कह रहे हैं कि वैसे तो वहाँ पे एक नगर अध्यक्ष होता था, लेकिन पाटलिपुत्र तो कैसी सिटी थी, पाटलिपुत्र तो कैसी सिटी थी जिसको एडमिनिस्टर करने के लिए 30 लोगों की कमिटी थी, 30 लोगों की, यानी तो कितना बड़ा कितनी इंपॉर्टेंट सिटी होगी उस टाइम पर, जो कि बिसिल क्या थी मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी थी। अच्छा 30 लोग बताता कौन है कि 30 लोग थे, ये बेसिकली मेगस्थनीज बताते हैं, ठीक है उनके अकॉर्डिंग। और लिखा हुआ द रेवेन्यू सिस्टम, उस टाइम का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, रेवेन्यू सिस्टम मतलब कि पैसे कलेक्ट करने का सिस्टम, पैसे कमाने का सिस्टम। 2 मिनट रुकने जरा, इसको ख़त्म ही कर देंगे आज। द लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम, बेसिकली उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो क्या था, लैंड रेवेन्यू,
है ना, कि लैंड यूज कर रहा है तो कोई तो उसे टैक्स वसूलो, टैक्स लो बेसिकली। इट वाज 1/6 to 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, वो कितना था, 1/6 of the 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। यानी अगर आपने, मैं कैलकुलेटिवली आपको अगर समझाऊँ तो, अगर आपने 100 रुपीज़ का प्रोड्यूस किया है, अगर आपने 100 रुपीज़ की क्रॉप्स प्रोड्यूस की है अपने लैंड पर, तो 100 का पहले 1/4 करो 25, 100 का 1/4 करो 25, आगे पे 25 का भी 1/6 करो, तो आपके 4 रुपीज समथिंग पैसे आएंगे आपके। तो वो टैक्स होता था, वो टैक्स होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। लैंड रेवेन्यू का कितना था, लैंड रेवेन्यू है ना। टू काइंड्स ऑफ टैक्सेस है, नेमली बाली एंड भागा आर मेंशन्ड द एडिट्स ऑफ असोका। मतलब वो कहते हैं दो तरह के टैक्स होते थे, दो टैक्सों के नाम दिए गए, बाली और एक भागा। भागा किस पर लगता था, ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर लगता था, एंड द कैटल, एंड द कैटल ठीक है, एट द रेट ऑफ 1/6 है ना। लेकिन जो बाली था वो रिलीजियस ट्रिब्यूट थी, वो रिलीजियस ट्रिब्यूट थी, यानी ट्रिब्यूट थी मतलब वो दक्षिणा की तरह, जैसे मंदिर में आके हम चंदा चढ़ाते हैं ना, तो उस तरीके से वो इस तरीके से था। तो ऐसा कौन कहता है, एक विंसेंट स्मिथ है, उनके अकॉर्डिंग ऐसा मानने, सम शास्त्री हैं ऐसे उनके अकॉर्डिंग मानना है ठीक है। टोल टैक्स वॉज इम्पोज ऑन आर्टिकल्स विच वर ब्रॉट फॉर सेल। टोल टैक्स नाम की भी चीज़ आ गई उस टाइम पर ठीक है, जो सामानों पर लगाया जाता था। आज के टाइम पर तो गाड़ियों पर लगाया जाता है, जब आप रोड पर ट्रेवल करते थे पहले सामानों पर लगाया जाता था। टैक्सेस वर लेवड ऑन लिकर शॉप्स एंड गैम्बलिंग हाउसेस, इन पर टैक्स लगाए गए। सम टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड माइंस, फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एंड द स्टेट प्रोवाइडेड वेरियस फैसिलिटीज लाइक रोड्स, इरीगेशन, हॉस्पिटल्स एंड मेट अदर एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। ये तो अभी होते हैं, गवर्नमेंट जो पैसा कमाती है फिर टैक्स के थ्रू, उसका वो हमारे ऊपर ही खर्चा करती है, वो हमें पब्लिक फैसिलिटीज देती हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पाई सिस्टम, स्पाई सिस्टम मतलब क्या, नज़र रखना। वो उन्हें अपने इतना बड़ा बहुत होता है उनका, मतलब इस एम्पायर, अब किस एम्पायर में, अब उनके एम्पायर में कौन क्या सोच रहा है, कौन कैसा कर रहा है, ये भी तो खबर रहनी चाहिए। हाँ है ना, मालूम पड़े कहीं पर बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है, उन्हें पता ही ना चले, तो ये तो गलत है ना। तो इन चीज़ों की से बचने के लिए बैठा सिस्टम रखते, उसको स्पाई सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि अपने जासूस रखते थे वो बहुत ज़्यादा, जासूस खबरी है ना। तो लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य हेड अ वाइड नेटवर्क ऑफ स्पाइस, नहीं जा स्पाइस मतलब कोई जासूस, चंद्रगुप्त मौर्य का उनके टाइम पर बहुत ज़्यादा जासूस थे। देयर वर स्पाइस अगेंस्ट द स्पाइस, वो कह रहे जासूसों के अगेंस्ट भी जासूस रखे हुए थे, कि ऐसा नहीं कि वो जासूस है ना वो हमें धोखा दे रहा हो, तो जासूस के भी जासूसी करने के लिए उन्होंने जासूस रख रखे थे। एंड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स मोर देन वन एजेंट वाज आस्क्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते थे, जो बहुत जरूरी काम होते थे, वहाँ पे वो एक से ज़्यादा जासूसों को अपॉइंट करते थे। द किंग वॉज ऑलवेज केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द वर्किंग ऑफ द ब्यूरो, उनके वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनके प्रजा में, वो सब उन उस सब की खबर उनको रहती थी, वो सब की खबर उनको रहती थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री को एडमिनिस्ट्रेट करने का सिस्टम क्या था वहाँ पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य मेंटेन अ ह्यूज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, सब चीजें थी वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मैगजीन द मौर्यन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 वॉर एलिफेंट। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स मौर्यन मौर्यज मेंटेन 8,000 चैरियट, द चीफ वेपन यूज वर बोज एरो स्टील स्वॉर्ड्स। ये आपको नंबर से देखने हैं बेसिकली, नंबर मिलेंगे तो इन्हीं की वजह से मिल पाएंगे, अदरवाइज तो ये बेकार क्वेश्चन हैं जो नहीं पूछना चाहिए। द किंग वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, द किंग होता था वो कमांडर होता था चीफ आर्मी का। द होल आर्मी वॉज अंडर मिलिट्री कमीशन ऑफ 30 मेंबर्स, द होल आर्मी 30 कमीशन के अंदर होते थे, 30 कमीशन मतलब क्या ऑफिसर होते थे ठीक है, 30 लोग उनके अंडर में होते थे। द मौर्यज ऑल्सो हैड अ वेल लेड रिक्रूटमेंट पॉलिसी, उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी रिक्रूट करने की, को भी रिक्रूट करने की,
सोल्जर्स और पेड सैलरी कैसे, उनको सैलरी कैसे मिलती थी, मॉडर्न गेम हेड बिल्डर फोर्स एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द एम्पायर। तो मॉडर्न गेम्स ने काफी सारे किले बना रखे थे, फोर्ट्स मतलब किले बना रखे थे अपनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह पर, स्ट्रेटेजिक प्लेसेस मतलब क्या, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर है अपनी सेफ्टी के लिए और अपने एम्पायर की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अशोका धम्म, अशोका धम्म मतलब क्या, अशोका रीजन, अशोका रीजन के बारे में बता रहे हैं बेसिकली। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका बिकेम द पीपल्स किंग, है ना, लोगों के राजा बन चुके थे वो। तो ही एम्ब्रेस द बुद्धिज्म बट डिड नॉट इम्पोज ऑन इम्पोज इट ऑन हिज सब्जेक्ट्स। उन्होंने खुद तो बुद्धिज्म फॉलो किया बट उन्होंने अपने पब्लिक को जबरदस्ती नहीं किया कि तुम भी ये फॉलो करो। ही वॉन्टेड हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो सच अ धम्म दैट मे बेस्ड दैट मे बी बेस्ड ऑन द यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहते थे, उनके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स को देखो उनकी जो प्रजा थी, उनकी जो प्रजा थी वो ऐसा धर्म फॉलो करें, धर्म मतलब धर्म, धर्म मतलब रिलीजन, वो ऐसा धर्म फॉलो करें दैट विल बेस्ड ऑन द यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स, जो ऐसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो जो यूनिफाई, यूनिफाई मतलब कि एक हो, एक ऐसे प्रिंसिपल पर वो चाहते थे उनके लोग ऐसे रिलीजन को फॉलो करें जिसके प्रिंसिपल्स, जिसके प्रिंसिपल सारे रिलीजन को मिलाकर बनते हो, वर्ल्ड में जितने सारे रिलीजन है ना उन सबको मिला दिया जाए और जो भी अच्छी चीज उनसे बनती है उन चीजों को फॉलो करने वाले धर्म को फॉलो करें। द धम्म एज ए डिस्क्राइब इन अशोक एडिक्ट नॉन रिलीजन और रिलीजियस सिस्टम। उन्होंने कहा जो रिलीजन अशोक के एडिक्ट में बताया गया वो कोई रिलीजन है नहीं बेसिकली, ना ही कोई रिलीजन सिस्टम है, बट हाँ मॉरल लॉ, बट एक मॉरल लॉ, एक एथिकल लॉ है जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है जो कॉमनली इंसानों को करना चाहिए एथिकली, है ना, विच इज अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल रिलीजन। बेसिकली वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो धम्म लिखा था वो कोई रिलीजन नहीं था, वो सिर्फ उनका एक थॉट था कि लोगों को कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी को मसों का धम्म बोलते हैं। तो धम्म में लिखा क्या था, धम्म मतलब धर्म रीजन, उसमें लिखा क्या था कि आप रेस्पेक्ट करो बड़ों की, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड लव फॉर चिल्ड्रन, अहिंसा, गुड डीड्स और गुड कर्मा वुड गिव हैप्पीनेस टू मैन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। उन्होंने गुड डीड्स करने बोला, ही टॉट पीपल टू रेस्पेक्ट ऑल रीजन, कि हर रीजन की रेस्पेक्ट करो, इट इज अप्रूव के एम्प्टी रिचुअल से बेकार खोखली परंपरा एम्प्टी थी, उनको छुड़वाया। इम्पैक्ट ऑफ धम्मा ऑन अशोकाज इम्पीरियल पॉलिसी, उनके रिलीजन का उनके पॉलिसी पर क्या फर्क पड़ा, रिलीजियस यूनिटी, पहली बात तो कि रिलीजियस यूनिटी आई उस समय के अंदर, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन फॉलोड देयर एम्परर्स पॉलिसी एट रिलीजियस टॉलरेंस, यानी अलग अलग कास्ट के लोग भी, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी बात मान रहे थे। मॉरल वैल्यूज, पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ धम्मा स्टार्टेड लिविंग अ मोरल लाइफ, लोगों की मॉरल लाइफ इम्प्रूव हुई, उन्होंने मोरल लाइफ लिव करना स्टार्ट किया। एंड ऑफ क्राइम, द पॉलिसी ऑफ अहिंसा डिड हैव अ ग्रेट मॉरल इम्पैक्ट ऑफ पीपल ऑन पीपल, थेफ्ट्स, क्राइम्स एंड अदर सच एक्टिविटीज ऑलमोस्ट केम टू एंड, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। पब्लिक वेलफेयर विद द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड वॉर हैविंग कम टू एन एंड, क्योंकि उनकी जीत जीतने के वॉर करने की जो पॉलिसी थी खत्म हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी। अशोका धम्म हेल्प ऑफिसर्स टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर, अब जो ऑफिसर्स थे बेसिकली तो पहले लड़ाई पर ध्यान देते थे, अब वो पब्लिक वेलफेयर में ध्यान देने लगे और पब्लिक वर्क स्कीम्स में काम करने लगे। दिस रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी, एंड हेल्प पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ, इससे उनकी प्रॉस्पेरिटी आई और लोगों की लाइफ काफ़ी इंप्रूव हुई और पीसफुल पीसफुलनेस वहाँ पर उनकी लाइफ में आई। हाँ, बहुत कुछ था इस चैप्टर में, तो बहुत कुछ था, छोटे छोटे पॉइंट्स करके बहुत कुछ आ गया था। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सारी होमवर्क में अब तो मैं क्या बताऊँ, जो ना समझ में मेरे को बता देना, कि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल उनको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है,